बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मकामी मालूमात के साथ मैं हूं मोहम्मद सुलेमान खान। मुजफ्फरगढ़ में एंटी करप्शन की खुसूसी टीम ने साबिक मुशीर ज़रात वज़ीर आला पंजाब तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान 12.5 करोड़ रुपए से जायद मुल्की और गैर मुल्की करंसी बरामद की गई। एंटी करप्शन पंजाब ने घर से कागजात और रिकॉर्ड से भरा हुआ बैग भी कब्जे में ले लिया। छापे के दौरान साबिक मुशीर ज़रात घर पर मौजूद नहीं थे। खालिद नदीम भट्टी की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। मुजफ्फरगढ़ में साबिक मुशीर ज़रात वज़ीर आला पंजाब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक एमपीए सरदार अब्दुल हई दस्ती के घर एंटी करप्शन की खसूसी टीम और पुलिस ने छापा मारा। टीम की क्यादत एंटी करप्शन के एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब वकास हसन टीम कर रहे थे। छापे के दौरान सरदार अब्दुल हई दस्ती घर में मौजूद नहीं थे। एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने घर की मुकम्मल तलाशी ली। कार्रवाई के दौरान 12.5 करोड़ से ज्यादा मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली गयी। नोटों को गिनने में घंटे लगे। कार्रवाई के दौरान पुलिस और एलीट फोर्स की भारी नफरी ने साबिक मशीर के घर और दफ्तर का मुहासरा किए रखा। कार्रवाई के बाद एंटी करप्शन और पुलिस की टीमें घर से कागजात और रिकॉर्ड से भरा बैग लेकर वापस रवाना हो गई। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन मुजफ्फरगढ़ वसीम अकबर लगारी का मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहना था की कार्रवाई लाहौर से आई एंटी करप्शन की खसूसी टीम ने की। वाजा रहे की साबिक एमपीए अब्दुल हई दस्ती के खिलाफ आमदन से जायद असासों के हवाले से एक केस में तहकीकात की जा रही है।